हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। और जैसे कि आप जानते हो कि आई एम ऑलरेडी इन उधमपुर, तो यहाँ पर रहते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पर जो छोटी छोटी जगहें हैं और जिधर हम जा सकते हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना इन जगहों का व्लॉग बनाया जाए। आज मैं आपको लेकर आया हूँ, जब आप रामनगर साइड जाओगे तो रास्ते में एक जगह है कुनागा, तो वो एक छोटा सा एक कस्बा है, और उस छोटे कस्बे में क्या क्या है हम देखेंगे। हालांकि कोई ज़्यादा आपकी नज़र में शायद ये नहीं हो सकता। सो दिस इज़ इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, द रोड गोज़ टूवर्ड्स रामनगर। तो यहाँ पर क्या, छोटा सा गांव जैसा है यहाँ पे, और यहाँ पर छोटा सा मंदिर जैसा आप देख सकते हो, और उसके अलावा जैसे आप जानते हो कि गांव में हमेशा जो पानी के स्रोत जो कुदरती होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी दैट ऑल्सो, और किसी से यहाँ पर बात भी करेंगे। एंड यू कैन सी सम पीपल आर, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे नहा रहे हैं, और शायद पीने का स्रोत भी यही है। तो ये एक नेचुरल स्रोत होता है जो पीने के लिए। ऑलराइट, तो मैं आपको ये जगह दिखाना चाहता हूँ कुनागा, और ये जो है उधमपुर की ओर, मैं रामनगर की ओर जब जाएंगे या रामनगर से उधमपुर की ओर आएंगे तो वहाँ पर ही आपको मिलेगा। तो क्योंकि ये रास्ते में था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये थोड़ा दिखाया जाए। तो आपको दिखाते हैं जी, इस जगह का नाम है कुनागा। बस ये वो रास्ता था जहाँ से मैं आया, और ये जो रोड आप देख रहे हो ये उधमपुर से आता है, तो कार इज कमिंग फ्रॉम देयर, और ये जो है ये जाता है रामनगर की ओर। लेकिन यहाँ पर एक कस्बा और भी है, और उस कस्बा का नाम जोनू है शायद, और उस तरफ ये रोड जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक छोटे छोटे आपको दुकानें मिल जाएंगी, और ज़्यादा बड़ा कोई एरिया नहीं है, बट इसके सराउंडिंग जो पहाड़ हैं वो नज़ारा है देखने वाला। सो आई विल शो यू, ये जो रोड है ऊपर वाला, दैट विल गो टू अनदर विलेज, जो शायद जोनू जिसको बोलते हैं माई नॉलेज। और उसके अलावा यहाँ पर एक चेक पोस्ट है फॉरेस्ट, और ये यहाँ पर छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर छोटी सी दुकानें हैं। और गाइस, वो क्या रहा है कि मतलब शायद यहाँ पर वॉक करने पहले कोई नहीं आया, एंड व्हेन आई एम यू नो रोटेटिंग माय कैमरास, लोग देख रहे हैं कि ये कौन है। सो ये एक छोटा सा कस्बा सा है यहाँ पे दोस्तों, इवन यू कैन हैव दी गुड हाउसेज हियर, और बैठने का यहाँ पर स्थान है। और यहाँ से रामनगर हार्डली मेरे ख्याल से इफ़ आई कैन गैस, तो शायद यहाँ से कोई मे बी 25 किलोमीटर्स, अगर मैं सही नहीं हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इन दी कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको, जब ये जो रोड है ये जाता है रामनगर की ओर, सो मैं इसका जो आसपास का जो पहाड़ी एरिया है, जो नज़ारा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो दोस्तों, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कोई क्लियर व्यू ऐसा कोई जगह मिल जाए जिधर से मैं आपको दिखा सकूँ, बट बरसात का मौसम होने की वजह से आप जानते हो कि काफ़ी झाड़ियाँ उगी होती हैं, बट दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू। जब ये शायद पूरी झाड़ियाँ वगैरह निकल जाती होंगी तो आपको बड़ा अच्छा यहाँ से नज़ारा देखने को मिलेगा। और दिस इज़ हाउ पीपल लिव हियर, एंड यू नो अगर आपका घर यहाँ पर है, यू कैन एवरी मॉर्निंग वैन यू गेट अप, नॉट एवरी मॉर्निंग बट वैन एवर यू नो यू विल सी आउट ऑफ, वैन एवर यू विल कम आउट फ्राम योर होम्स, वेदर यू आर ऑन द रूफ और ऑन योर विंडो, सो यू कैन यू नो एन्जॉय दिस व्यू। सो रामनगर भी बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, और पिछले दिनों में काफ़ी न्यूज़ में मैं पढ़ते भी आ रहा था कि दोस्तों आपको रामनगर में आना चाहिए। आई मीन दिस इज़ द ओनली लिटिल प्लेस आई वाज ट्राइंग टू शो यू, हालांकि रामनगर से ऊपर पहाड़ों की तरफ जाओगे तो आपको और भी एरिया मिलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन फाइंड हियर। तो मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ, और ऊपर जाकर थोड़ा सा यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जैसी हैं, और यहाँ पर ये बैठने का स्थान है वर्षा शालिका, जिसको शायद हिंदी वैसा बोलते होंगे। और यहाँ पर यू कैन हैव सम फास्ट फूड थिंग्स हियर, और उसके बाद इस प्रकार के छोटे मोटे यहाँ पर आपको दुकानें मिल जाएंगी गाइस। यू कैन स्टॉप हियर अगर आप रामनगर की ओर जा रहे हो या उधमपुर की ओर आ रहे हो, इफ़ यू आर टायर्ड देन यू कैन हैव यू नो
कपापी ही है जैसे मैं जा रहा हूँ, और शर्मा स्वीट्स। कोई नहीं जाओ और तो गॉट वी हैव सम कोल्ड ड्रिंक हियर। अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं बोल रहे, थोड़ा बीज वाली बोलिए। गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, ज़रूर आप सपोर्ट करें अपने भाई को। और मैं चाहता हूं कि जो कूनाला के खासकर मेरे मित्र हैं, तो आपके एरिया में आया हूं मित्रों, तो और कुछ नहीं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि एक सब्सक्राइब तो बनता है आपकी तरफ से। और ज़रूरी नहीं जो कूनाला से हैं, बल्कि कहीं से भी अगर आप मेरे श्रोता देख रहे हैं उधमपुर से और देश के किसी भी कोने से, बस एक छोटा सा लाइक अपने भाई को दे दीजिए और एक छोटा सा सब्सक्राइब जो है वो अपने भाई को दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले और नए ब्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल मैं उधमपुर में ही हूँ, और भी हमारे उधमपुर के या उधमपुर के आसपास के जो ब्लॉग्स हैं वो आपके सामने मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। अगले ब्लॉग के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।